अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में, एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी दराज से, जिनमें एक तो ऑयल स्टॉपर है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे मार्केट से लेना था ये जाकर, लेकिन फिर मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने स्क्रॉल किया दराज स्टोर पर, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ गई, तो फिर मैंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर ली। और ये काफ़ी अच्छी है ना, मार्केट प्राइस अगर आप देखें इस ऑयल बॉटल की, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है रादर देन दिस। तो मुझे ये स्क्रॉल कर रही थी मैं बैठे बैठे, और फिर मुझे ना ये नज़र पड़ गई मेरी, तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया और मंगवा लिया। तो देखिए, ये मार्केट प्राइस मैं आपको शो कर रही हूँ, और ये मैंने बहुत ही रिज़नेबल प्राइस पर मंगवाया है, लेस देन 100 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने जस्ट ये स्टॉपर लेस देन 100 में लिया है, और आप भी स्क्रॉल करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं कोई पेड कैंपेन नहीं चला रही, लेकिन बस ये जो बात है वो है, ये तारीफ़ करनी चाहिए। अगर आपको कोई कहीं से कोई भी चीज़ अच्छी मिल रही है, तो आप तारीफ़ कर दें, कोई हर्ज नहीं है। और ये काफ़ी कारामद है, हर तरह की बॉटल्स में ये फिट हो जाती है। मेरे पास, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास इस तरह की बॉटल्स बहुत सारी हो जाती हैं। और ये एक पहले की मेरे पास ग्लास बॉटल पड़ी हुई थी, तो इसमें भी ये फिट हो गई है। और ये देखें, ये भी ऑलिव ऑयल है, तो इसका जो है ना नेक, तो ये इस तरह का है, तो ये भी एक अच्छा है ऑप्शन ऑयल वगैरह यूज़ करने के लिए सैलड में। तो इसमें भी कोई फ्लो नहीं आता इतना ज़्यादा, बस ड्रॉप ड्रॉप ही पोर होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बॉटल है। तो मैंने इसमें से ये इसकी जो कॉर्क है ये मैंने नहीं निकाली, बल्कि मैंने इन दो में इसको फिक्स कर दिया है, और मैं बहुत पछता रही हूँ। मुझे ये एक दो और मंगवाने चाहिए थे, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। अगर सैलड ड्रेसिंग आप करें तो इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं ऑयल से अगर कुछ बनाऊँ, फ्राई कर रही हूँ, तो घी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि घी जो है वो हज़म नहीं कर पाते, मतलब वैसे भी मेंटली तौर पे भी हज़म नहीं होता मुझसे घी, तो मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और पराठे वगैरह भी मैं ऑयल में ही बनाती हूँ, तो बेसिकली जो पर्पज़ली मैंने ये चीज़ मंगवाई है, वो पराठों के लिए ही मंगवाई थी, कि उसके ऊपर मैं ऑयल जो जब भी यूज़ करूँ तो इससे यूज़ करूँ, और उससे जो है ना क्वांटिटी भी बहुत कम निकलती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है। घर में किसी को भी इतना ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है, पराठों में भी ऑयल इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बस यूँ समझ लें कि हमारे ऑयल, सॉल्ट, पेपर, ये सारी चीज़ें बहुत कम कम ही यूज़ होती हैं। और ये देखिए, मैं आपको पोर करके दिखा रही हूँ कि कितना जो है ना, बिल्कुल उतनी क्वांटिटी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है इतनी आ रही है, और ड्रेसिंग वगैरह के लिए तो बहुत कमाल चीज़ है। तो आप भी ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं इसको, और मंगवा सकते हैं, अपनी किचन की जीनत बढ़ा सकते हैं इससे। इसके अलावा मैं आज आप लोगों से दो ऐसी रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें आप बनाकर और अपने किचन में कहीं पे भी रख सकते हैं। लाइक रमज़ान के सीज़न के लिए अगर आप बना रहे हैं, तो आप कहीं पे भी रख लें, किचन में काउंटर, कैबिनेट, कहीं पे भी रख लें। अपने रूम में आपका कोई पोर्शन है जहां आप नट्स वगैरह रखते हैं, तो आप वहां पे भी रख सकते हैं और डेली यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ आप रमज़ान में ही नहीं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आम रूटीन लाइफ में भी आप इसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आपकी ही सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने सारी तरह के नट्स ले लिए, जितने नट्स, जो नट्स आपको पसंद है आप वो ले लें, और ये ऑप्शनल है। रोज़ पेटल्स अगर आपको पसंद है तो आप ले लें, अगर आपको नहीं पसंद तो ना लें। खुशबू अच्छी आती है और फ्लेवर अच्छा आता है, और उसमें इलायचियाँ भी मैंने आपको शो की, इलायचियों का तो इतना अच्छा फ्लेवर निकल के आता है ना जब भी आप इसको बनाएं। तो बस मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, फिर बार बार आपको करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लेंडर में ही इकट्ठे ही आप जो है ना पूरा ग्राइंड करके रख लूँ, पीस के रख लूँ। और मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें बादाम, पिस्ते, काजू और मेलन सीड्स, थोड़ी सी मैंने चीनी ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने चीनी नहीं ली, नट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इनमें मिठास होती है। और इलायची ली है मैंने, सौंफ ली है, तो ये समझ लें एक तरह का ठंडाई पाउडर है। और रोज़ पेटल अगर आपको अच्छे लगे तो आप वो भी यूज़ कर लें, मैंने यूज़ किए, ये ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
तो मैंने इन सब को देखिए इस तरह से पीस लिया और पीस कर जो है एक जार में मैं रख लूँगी। और जब भी आपको ठंडाई बनानी हो ना तो आप बस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी रेसिपीज़ जो है ना वो डिटेल में दे दी हैं, जिस तरह की भी आपको चाहिए ठंडाई पीना है आपको, वो सारे मैंने वहाँ पे फ्लेवर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप चाहें वहाँ से देखें और एक एक रेसिपी डेली ट्राई करें, दूध में बनाएं। और हाँ, बच्चों को दही के साथ भी दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते तो उनको आप दही में मिक्स करके दे दें। आप किसी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको बनाना है ना, मिल्क, आइस क्यूब्स, और आप कोई भी फ्रूट ले लें, या डेट्स ले लें, या पिमटो ले लें, या रूह अफ़ज़ा ले लें, कुछ भी ले लें आप उसको बनाएं, सैफ्रॉन के साथ बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ट्राई करें। और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल मिल्क से बनाया है और यहाँ पर मैंने एक रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। इसको आपने बस एक कप दूध में मैंने एक चम्मच पाउडर ऐड किया है और उसको आइस क्यूब्स के साथ ब्लेंड कर लिया था, दैट्स इट। और इतना अच्छा और इतना यमी था ना, ये बिल्कुल फालूदा वाला फ्लेवर आ रहा था। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये शरबत कैसा लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, कुछ भी कह लें आप, कोई भी नाम दे दें इसे, खजूर की बर्फ़ी कह लें, या मुझे तो इसका कोई प्रॉपर नेम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये इतनी अच्छी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसका एक बाइट भी मुंह में लेंगे ना तो आपका दिल चाहेगा आप बार बार इसे खाएं। और रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करते वक्त हम डेट्स लेते हैं, सुन्नत भी है खजूरों से रोज़ा इफ्तार करना, तो उस जगह पे अगर आप ये लेते हैं ना तो इतना नरिश्ड है ना कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सारे नट्स हैं इसमें वही नट्स ऐड करूँगी जो भी मैंने ग्राइंड किया। और ये मैंने खशखाश है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, और खजूरें हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, वॉश करके इसके बीज निकाल के इसको ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। और ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये थोड़े से हार्ड हुए हैं, मैंने ग्राइंड करके डेट्स को रख ली। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं डेट्स को सीडलेस करके उसके बाद उसको फ्रिज में ही रख लेती हूँ ग्राइंड करके, जब भी ज़रूरत होती है तो यूज़ कर लेती हूँ। मैं बेकिंग वगैरह में भी यूज़ करती हूँ तो मुझे आसानी होती है इस तरह से। और ये देखें आप, थोड़े से हार्ड हैं तो मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है, और मक्खन ऐड करने के बाद मैं हल्का सा इसको जो है ना स्टर फ्राई करूँगी ताकि ये नरम हो जाएँ। और जैसे ही ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है, बस ये जो खशखाश मैंने भून के रखी हुई थी इसका एक चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और मुझे खशखाश का फ़्लेवर, भुने हुए खशखाश का फ़्लेवर इतना अच्छा लगता है, तो ये इसके अंदर ऐड किए। और जो मैंने भी पाउडर आपको बताया था नट्स पाउडर बनाना, आप वो नट्स पाउडर इसमें ऐड कर दें, या अगर आपको नट्स चॉप करके एक मोटे मोटे चंक्स में चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से बस मैंने इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए ये वही पाउडर है और ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए ना रख देंगे कूल डाउन होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो खुद ही थोड़ा थोड़ा सा ना हार्ड हो जाएगा, और जैसे ये हार्ड होगा, हल्का सा हार्ड होगा, तो आप इतना हो कि आप सह सकें इसकी गर्माइश, तो फिर आप जो हैं इसको रोल कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैंने कुछ गर्म गर्म ही ले लिया था तो वो चिपकने लगे थे, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना बटर लगा लिया था, बटर मैंने मेल्ट करके जो रखा था उसमें से ही मैंने ले के तो थोड़ा सा इसको पॉलिश कर दिया ऊपर से, तो ये फिर चिपक नहीं रहे थे। अब इसके ऊपर मैंने छिड़क दिए वही वाले खशखाश जो भी मैंने रोस्ट किए थे, और इस तरह से रोल करते जाएंगे इसे। और यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए, पिस्ते, काजू और रोज़ पेटल को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया था, ड्रायर रोज़ पेटल हैं ये, और ये इतना अच्छा कलर ऐड करते हैं ना पिस्तों के साथ, पिंक और पिस्ताशियो ग्रीन कलर जो आता है कॉम्बो बनता है वो बड़ा ही प्यारा लगता है, और साथ वाइट भी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ, और देखें मक्खी है एक जो मुसलसल आगे पीछे घूम रही है, और मुझे नहीं समझ आती कि जब भी मैं कोई चीज़ मीठी बना रही होती हूँ ना आगे पीछे मक्खियों को घूमना ज़रूरी होता है, और मैं तंग आ जाती हूँ इन हरकतों से इनकी, लेकिन क्या कर रहे हैं, लग मखलूक इन्हें मार भी नहीं सकते और ये काम ही है इनका, यही घूमना फिरना। खैर,
मैं यहाँ पे इसको रोल कर रही हूँ नट्स के साथ, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, तो बहुत आराम आराम से आपने रोल करना है। और अगर आप चाहें तो आप इस शेप में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको गोल गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप उसको कट कर लें उस शेप में। आप अगर चाहें तो इसको रोल कर लें ऊपर, लेकिन आपको एक बैग लगाना होगा, शॉपर जो होता है वो आप लगा के पहले नीचे एक शॉपर बिछाएं, इसके ऊपर इसका डो रखें और उसके ऊपर फिर एक और शॉपर लगा के तो इसको आप रोल कर लें, और फिर कटर की मदद से कट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए इस मेथड से बना रही हूँ। गोल गोल वाले भी लड्डू नुमा जो होते हैं वो तो हम खाते ही रहते हैं चीज़ें, तो मैंने इसको फॉइल लगा के रोल कर लिया है, और अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, और जब हार्ड होंगे तो फिर हम इसके शेप्स कट कर लेंगे। दो घंटे के बाद फ्रीज़र से बाहर निकाल कर फिर मैंने इसके शेप्स कट कर लिए। राउंड शेप्स मैंने कट किए हैं सारे के सारे। अगर आप चाहें तो फॉइल लगा रहने दें, और अगर आप चाहें तो फॉइल हटाकर भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं फॉइल के साथ ही कर रही हूँ, और किसी किसी में फॉइल है और किसी में खुद ही उतर रहा है फॉइल, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं कि इसको कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन बस मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के ना तो इसको कट कर ही लिया। और अब मैं इसको सेव कर लूँगी किसी भी एयर टाइट जार में, और इफ्तार जब हम करेंगे तो फिर इसी से ही करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप 2 से 3 महीने तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले, कुछ ख़राब नहीं होने वाला इसमें, सारी चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।